हाँ जी सत श्री अकाल दोस्तों। आप जब आप पहला वीडियो गल की सी पिछली वीडियो च मतलब कि आप अपना बियर्ड ऑयल बनावे उदा तो बाजार से भी बड़े मिलते हैं पर अपने हाथ का बनाया कुछ वो गल अलग है क्योंकि थानू पता है तुम उस की मिलाया हुआ है तो वो की चाहिए मैं थानू दस दिना। आप इतने लिया एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल ते कस्टर्ड ऑयल ये जमेकियन ब्लैक कस्टर्ड ऑयल है। जे ये थोड़ा नहीं मिलता तो नॉर्मल अपना कस्टर्ड ऑयल ले सकते हो। ठीक है मैं यूज़ करांगा अगर थोड़ा ये नहीं मिलता है तो नॉर्मल वाला भी किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो। इस पावे आप कलौंजी का ऑयल तेल स्वीट आलमंड ऑयल बादाम का तेल ते पावे थोड़ा जहा है जॉनसन बेबी ऑयल इच एलोवेरा और विटामिन ई एच भी है और तुसी विटामिन ई दे कैप्सूल यूज कर सकते हो। जे थोड़े को ऑयल अवेलेबल है विटामिन ई तो ऑयल ला सकते हो ते उस थोड़ा और इस पावे जुजोबी ऑयल ते मैं सारे जड़े ऑयल्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन से भी लिख दांगा की पा रहा मैं ते थोड़े जे फ्लेवर ले या स्मेल ले मैं पा रहा मैनू यूकलिप्टस ऑयल बहुत अच्छा लगता है यदा जो मतलब कि बड़ा जो तुम लगा बड़ा अच्छा स्मेल बड़ी बहुत वादिया आती है। यूकलिप्टस ऑयल किसी भी कंपनी का ले सकते हो। रोज ऑयल ये अपने है इनग्रीडियंट्स ते बेसिकली मैं की करता हूँ जो मैं कोई भी ऑयल का एक्सपेरिमेंट करता कि बनाना तो मैं एक जगह लिख लैंना कि इस बार मैं की पाया तो किन्ना किन्ना पाया तो तुम भी इदा कर सकते हो। तो बाकी जी रेशोज है मैं थोनों ये थले लिख दांगा ते और थानू चाहिए एम्प्टी बॉटल्स जड़ी तुसी पहला कोई ऑयल यूज करते हो या कोई भी बाजारों ले लो एम्प्टी बॉटल्स उन्होंने मेरी ज्यादा है ते मेजरिंग लिए तुसी कोई भी मेथड यूज कर सकते हो कप या अपना जड़ा जड़े नापन ले कोई भी मेजरिंग मैं मेजरिंग कप लिया इदा आप मेजर करके इच पावे तो बाद च अपने बॉटल्स से पोर कर लाँगे कि किन्ना किन्ना हैगा। मैं हुण थानू नाल नाल दसी जावां कि मैं किहड़ा ऑयल किन्ना लिया है तो शुरू करते हैं आपां। ओके आपां हुण शुरू करते हैं तो मैं मेजरिंग जदों लैदा लै रहा मैं 30 ml लै रहा अपना ऑलिव ऑयल ए 30 ml हो गया साडा ऑलिव ऑयल एचे पावांगे जी 3 ml स्वीट आमंड ऑयल 3 ओके जी ये अपना 3 ml हो गया स्वीट आमंड ऑयल और साडा किधर गया तीन मिली पावांगे जो जो भी ऑयल ये सारे जिहड़े मैं अपने जिहड़े मैं मेजरिंग कप और ये यूज कर रहे हैं इन्हू मैं पहला जब अपनी बॉटल्स भी हैगी है उन्होंने मैं सैनिटाइज किया है पहला गर्म पानी च उबाल गया है और जिदा ए वाले जिहड़े मेरे भांडे हैगे इन्हों मैं ट्री ऑयल दे नाल सैनिटाइज किया हुआ तो यह जरूर कर लेना। हुण आपां पावांगे ब्लैक जमेकन कस्टर्ड ऑयल ये भी आपां ए च पावांगे 5 ml
ਇਹ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕਸਟਰਡ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਲੈਕਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 5 ml ਆਪਣਾ ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ ਆਇਲ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ 15 ml ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਬੇਬੀ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈਜ਼ ਔਰ ਐਲੋਵੇਰਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੌਨਸਨ ਬੇਬੀ ਆਇਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਨੇ, ਬੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕੈਪਸੂਲ ਪਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦਾ ਆਇਲ ਪਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਆਇਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ 5 ml ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਆਇਲ, ਆਲਮੰਡ ਆਇਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਲਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਓਪਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਔਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲ ਹੈਗਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਲਿਪਰੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਐਨੀਵੇ ਨੋਟ ਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਮੇਜਰਿੰਗ ਕੱਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਆਇਲ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 20 to 25 ਡਰੋਪ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਆਇਲ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਯੂਕਲਿਪਟਿਸ ਆਇਲ, ਇਹਦੇ ਵੀ 20 ਡਰੋਪਸ, ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟਲਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਫਿਲ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰੋਪਰ ਵਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਰੀਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਬੋਟਲਸ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਨਲ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਪੋਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ 20 ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਇਲ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੋਟਲ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਸਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਪਵੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਆਇਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਧੋਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਚ ਡਸਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਇਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੀਅਡ ਆਇਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਰਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਮੈਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਟਲ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੋਟਲ 'ਚ ਭਰੀ ਹੈ ਮੈਂ,
ठीक है। ऐदा दी कोई बॉटल लो जिच ट्रांसपेरेंट ना लो जो हो सके कोशिश करो क्योंकि जड़ा अपना ऑयल है जो सनलाइट पैंदी है तो थोड़ा जा वधिया नहीं रहिंदा इहदे च थोड़ी उहदी जिहड़ी उहदी बॉडी है उहदी क्वालिटी है वह सेफ रहिंदी है। तो यूज करने तो पहला मेक श्योर एक बार शेक कर लईए आपां चंगे तरीके नाल ड्रॉपर च आपां दी मदद नाल ऐदा चार पांच बूंद लईआं जो भी आप नहा लिया नहाने के बाद अच्छी तरह रब करो अपने हाथों से। माह क्या स्मैल है बहुत अच्छी स्मैल आती है एक तो और आराम चंगी तरह लगाओ अपने चारों पासे दाढ़ी नू एक तो दाढ़ी से शाइन आएगी ग्रोथ होएगी थोड़ी बहुत तो यह थोड़ी दाढ़ी नू हैल्थी बनाएगी अपना जरूर चाहिए है तो कुछ ना कुछ नहीं तो अपनी दाढ़ी जी ड्राई हो जाती है। तो होपफुली ये वीडियो थोड़ा पसंद आई होगी तो कुछ ना कुछ मदद करेगी थोड़ा ये अपनी दाढ़ी दे बीयर्ड्स ऑयल बनाने लिए। नैक्सट टाइम आप कोई होर बीयर्ड ऑयल बनावे डिफरेंट तरीके ना या मैं लैके कई मेरे मैसेज आते कि बीयर्ड ग्रोथ लई बीयर्ड ग्रोथ बेसिकली तो नैचुरल होंगी है उस अपना थोड़ा घट हाथ हों लेकिन तुम अपना प्रोटीन वगैरह खाते रहो अपने प्रोटीन्स वगैरह लेंगे आप अपनी डाइट से तो अपनी दाढ़ी नैचुरल बढ़ती है कई क्योंकि जीन्स के उत्ते भी होंगी है कई वधिया हैवी दाढ़ी आती है कई नहीं आती ज्यादा मैनू पसंद है हैवी मुस्तैश पर मेरे नहीं है इन्नी बट अपनी अपनी होंगी है। तो उस आप कुछ ऑयल्स या कुछ अदर रेमेडीज आप नैक्सट वीडियो लियावे जिंदा थोड़ी थोड़ी बहुत बीयर्ड नू ग्रोथ करन दी मदद करेगी। बट नाल दी नाल ए वीडियो शेयर सबसक्राइब और लाइक करना ना भुलना वैसे कहन दी लोड़ नहीं है कि थोड़ा वैसे ही बहुत प्यार मिलता मैनू। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सी यू अगेन सून।